नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज़। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। दोस्तों, रामविलास पासवान अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनका नाम न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में याद रखा जाएगा। रामविलास पासवान के बारे में यह भी कहा जाता था कि सरकार किसी की भी हो, लेकिन मंत्री तो रामविलास पासवान ही होंगे। दोस्तों, ऐसा इसलिए कहा जाता था क्योंकि रामविलास पासवान राजनीति के तत्कालीन मौजूदा हालात भांप लेते थे। शायद इसीलिए ही उन्हें राजनीति का मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था। आइए जानते हैं रामविलास पासवान के जीवन से जुड़ी एक दिलचस्प और अनसुनी किस्सा। बात उन दिनों की है जब रामविलास पासवान देश के पहले दलित प्रधानमंत्री बनने से चूक गए थे। समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव ने स्वर्गीय अमर सिंह के कहने पर रामविलास पासवान के मंसूबे पर पानी फेर दिया था और दक्षिण भारत के नेता HD देवगौड़ा का नाम आगे कर दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 1996 में जब अल्पमत के कारण गिर गई थी और दूसरी तरफ संयुक्त मोर्चे की सरकार को लेकर कांग्रेस, वामदलों और कुछ अन्य पार्टियों में सहमति बनाने की तैयारी चल रही थी, उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह ने प्रधानमंत्री बनने से मना कर दिया था। वहीं मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने भी ज्योति बसु को प्रधानमंत्री बनने की स्वीकृति नहीं दी थी। उसी समय रामविलास पासवान के पहले दलित प्रधानमंत्री बनने की संभावना तेज हो गई थी। ऐसा बताया जाता है कि रामविलास पासवान प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने की इच्छुक भी थे, लेकिन उन दिनों के पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के बड़े नेता के रूप में अपनी पहचान बना चुके मुलायम सिंह यादव ने रामविलास पासवान के मंसूबों पर पानी फेर दिया था। कहा जाता है कि अपने करीबी अमर सिंह के कहने पर मुलायम सिंह यादव ने रामविलास पासवान के जगह HD देवगौड़ा के नाम को आगे कर दिया। प्रधानमंत्री पद के लिए HD देवगौड़ा के नाम पर सहमति बन गई और इस तरह से रामविलास पासवान देश के पहले दलित प्रधानमंत्री बनने से चूक गए। रामविलास पासवान पहली बार 1977 में लोकसभा पहुंचे। 2004 में बनी मनमोहन सिंह की सरकार में रामविलास पासवान केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री थे। रामविलास पासवान 1996 से 1998 तक केंद्रीय रेल मंत्री रहे और अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में भी कई विभाग संभाल चुके थे। 2014 में बनी नरेंद्र मोदी की सरकार में भी रामविलास पासवान केंद्रीय खाद्य मंत्री रहे और उसके बाद 2019 में भी वो केंद्रीय मंत्री बने। इसीलिए तो रामविलास पासवान के बारे में कहा जाता है कि सरकार किसी की भी बने, लेकिन मंत्री पद की शपथ तो मैं ही लेता रहूंगा। रामविलास पासवान के नाम लोकसभा में रिकॉर्ड सर्वाधिक वोटों से जीतने का भी रिकॉर्ड रहा है। उन्होंने 2-2 बार अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज करवाया था। बिहार के हाजीपुर की धरती से उन्हें गहरा लगाव था। हाजीपुर के मिट्टी से मेरा माँ बेटे का रिश्ता है, ऐसा वो अपने सभाओं में कहा करते थे। कुल मिलाकर रामविलास पासवान बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण किरदार थे और उनके निधन से निश्चित रूप से बिहार के राजनीति को गहरा आघात पहुँचा है। बिहार ने अपना एक दिग्गज नेता खो दिया है। इस तरह के खबरों से रूबरू रहने के लिए आप हमारे चैनल बिहारी न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़।